फिफ्थ सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें देखिए कल मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, पाठ आठ, वे दिन भी क्या दिन थे, ठीक है। कल मैंने पाठ पढ़ाया था और एक पैराग्राफ आपको लिखने के लिए दिया था। और इसमें देखिए आज प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वो कब छपी होगी, ठीक है ना। उसके हाथ एक किताब पड़ी थी तो वो कब छपी होगी। तो कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में ही छपी होगी, ठीक है ना। वो पुराने समय की नहीं है, वो आज के ही समय की। यह कहानी भविष्य पर आधारित है। यह कहानी क्या है? भविष्य पर। ये बीता हुआ बीती हुई बात नहीं है, ये भविष्य पर आधारित है। और हम वर्तमान, यह हम क्या हैं, वर्तमान में है। अतः किताब आज के समय की छपी होगी। और देखिए रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच ऐसा होता है? ठीक है, क्या सचमुच में ऐसा होता है, हम किताब पढ़ते हैं और वो फेंक देते हैं? वे ही किताबें पुस्तकें बर्बाद होती हैं जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से सही ढंग से रखा जाए तो वे कभी बर्बाद नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती हैं और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती हैं, ठीक है ना। किताबें ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ी और फेंक दिया, ठीक है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो क्या संभाल कर सहेज कर रखी जाती हैं घर में, ठीक है। आपने पढ़ी, आपके छोटे भाई बहन भी उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उनसे भी जो और छोटे आएंगे उन किताबों को वो पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों, ठीक है। एक तो क्या है, कागज़ के पन्नों की किताब और दूसरे टेलीविज़न वाली, तो तुम इनमें से कौन पसंद करोगे, ठीक है। तो हम कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे, ठीक है। आपने देखा आप किताब पढ़ने में कितना मज़ा आता है ना, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास रहेगी, है ना। हमारे पास हमारी किताब हमारे पास रहती है और जब हमारा मन करेगा उन किताबों को हम खोलेंगे पढ़ेंगे और जब मन करेगा उनको रख देंगे, ठीक है। अब किताबें क्या होती हैं, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने साथ उन किताबों को पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं। ऐसी किताबों को एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। आपका मन करा, आपको कोई कहानी बहुत अच्छी लगी तो आप क्या करते हैं, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको अच्छे से समझ में आएगी। यही सारी बातें टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताबों में नहीं मिलती। अगला देखिए इसमें, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस चीज़ पर हुआ करती थी, ठीक है ना। आज के ज़माने में हम क्या कर रहे हैं, कागज़ के पन्ने आते हैं, लेकिन इससे पहले जो किताब जो अक्षर जो लिखे जाते थे वो किस पे लिखे जाते थे, तो देखिए जो कागज़ से पहले छपाई पत्ते ताम्र पत्र होते हैं और लकड़ी पर हुआ करती थी, ताम्र पत्रों पे और लकड़ी पर हुआ करती थी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपने क्या करने हैं, अपनी कॉपी पे करने हैं। और देखिए यहाँ पे ये प्रश्न 1, 2, 3, 4, ये चारों प्रश्न आपको आज अपनी कॉपी पे करने हैं। कल आपने पाठ पढ़ा था और यहाँ पे देखिए ये मैंने कुछ प्रश्न जो अभी बताए हैं उनको सॉल्व करके बताया था कि कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में ही छपी होगी। यह कहानी भविष्य पर आधारित है और हम वर्तमान में हैं, अतः किताब आज के समय में छपी होगी। रोहित ने देखो, वे ही पुस्तकें बर्बाद होती हैं जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले को दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, कागज़ के पन्नों की आई यहाँ पे, हम कागज़ के पन्नों की किताब को पढ़ना पसंद करेंगे क्योंकि वो हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने तथा इधर उधर ले जाने में आसानी रहेगी। उस किताब को हम इधर उधर भी ले जा सकते हैं। ऐसी किताबों को एक से अधिक बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर जो मैंने 4 बताया है कि आज से पहले जो किताबें हैं वो कैसे छपा करती थी, किस तरीके से अक्षरों की छपाई होती थी, तो कागज़ से पहले छपाई ताम्र पत्रों और लकड़ी पर हुआ करती थी। ठीक है, तो आज ये आपने प्रश्न करने हैं, 4 आपके प्रश्न दिए हैं तो इनको करिएगा।